हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाई संध्या में। आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट बर्फी। कोकोनट बर्फी बनाएंगे डबल लेयर में। देख लेते हैं किन चीजों की जरूरत होगी डबल लेयर कोकोनट बर्फी बनाने के लिए। 200 ग्राम कोकोनट बूरा लिया है, 200 ग्राम मावा लिया है, 150 ग्राम चीनी लिया है, 4 से 5 बूंद रेड कलर की यूज करेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। गैस ऑन करेंगे, पैन रखेंगे गरम होने के लिए। पैन गरम हो चुका है, मावा डाल लेंगे। गैस को मीडियम पे रखेंगे, मावा को हल्का भून लेंगे। ध्यान रखना है मावा का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। मावा हमारा अच्छी तरह भून गया है, किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। पैन को साफ करके रख लेंगे। हाफ कप पानी रखेंगे, चीनी मिक्स करेंगे। चीनी को अच्छे से घुलने देंगे। चीनी अच्छे से घुल चुका है, चाशनी हमें एक तार की बनानी है। चाशनी चेक कर लेते हैं, एक प्लेट ले लिया है, कुछ बूंदे रखेंगे चाशनी की, ठंडा होने देते हैं। चाशनी चेक कर लेते हैं, चाशनी उंगलियों पे लेंगे, दोनों उंगलियां चिपका के ऐसे देखेंगे। आप देख पा रहे होंगे एक तार निकलने लग गया है। गैस को बिल्कुल स्लो कर लेंगे, मावा डाल लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को मैंने अभी बिल्कुल स्लो पे रखा हुआ है। मावा को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि कोई गुठलियां ना रहे। मावा अच्छी तरह मिक्स हो गया है, नारियल बूरा डाल लेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। आप इस बात का ध्यान रखना गैस मैंने बिल्कुल स्लो पे किया हुआ है। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी है, गैस को मीडियम पे कर लेंगे। अब बर्फी का थोड़ा सा मिक्सचर प्लेट में रखेंगे, थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर चेक करेंगे बर्फी जमाने लायक हुआ है अभी या नहीं। मिश्रण चेक कर लेते हैं, इकट्ठा करेंगे, ऐसे बांध के देखेंगे, इकट्ठा करेंगे। आप देख पा रहे होंगे बड़ी आसानी से लड्डू का शेप ले रहा है। मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी है बर्फी जमाने के लिए। गैस को ऑफ कर लेंगे। बर्फी जमाने के लिए यहाँ पे मैंने एक केक टिन में बटर पेपर लगा लिया है और अच्छे से चिकनाई लगा लिया है। बर्फी के मिश्रण को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। एक भाग को अलग कर लेंगे और 2 भाग को मिक्स करके बर्फी जमाने के लिए केक टिन में रख लेंगे। इक्वल कर लेंगे। बर्फी के मिश्रण को टिन में इक्वल कर लेंगे। टिन को एक साइड में रख लेंगे। बर्फी के मिश्रण का एक हिस्सा जो हमने बचा के रखा है, इसमें 4 से 5 बूंद रेड कलर डाल लेंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से। कलर आप कोई सा भी ले सकते हो जो आपको पसंद आए। अच्छे से मिक्स करेंगे कलर। कलर अच्छे से मिक्स कर लिया है, फिर से केक टिन ले लिया है, सफेद वाले के ऊपर से कलर वाला लेयर डालेंगे। साइडों से इक्वल भी करते जाएंगे। इक्वल कर लेंगे मिश्रण को। बर्फी को सेट होने के लिए रख देंगे।
हमारा कोकोनट मावा बर्फी का मिश्रण जम के बिल्कुल रेडी हो चुका है। बटर पेपर निकाल लेंगे। पहले निशान लगा लेते हैं हम हल्का सा, ताकि इक्वल कटे पीसेस। अब कट लगा लेंगे। फिर से पहले की तरह पहले निशान लगा लेते हैं ताकि पीसेस इक्वल हो। आप देख सकते हैं हमारा कोकोनट मावा बर्फी कितना अच्छा और टेस्टी बना है। आप भी इस राखी पे अपने भाइयों के लिए इस तरह से बर्फी बनाइए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।